जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा किसान जो है केवल धनिया की खेती करके लाखों रुपए कमा रहा है। हरी धनिया और सूखी धनिया दोनों प्रकार की ये खेती करता है। तो दोस्तों आइए, ये किसान जो है उत्तर प्रदेश का है, तो आइए हम जानते हैं इस किसान के बारे में कि वो कैसे जो है धनिया की खेती करके इतनी सारी जो है इनकम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइकवाइज शेयर भी करें। दोस्तों, भारत में धनिया की खेती बड़े स्तर पर की जाती है, सबको मालूम है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के किसान भी धनिया की खेती कर काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आज उनकी पैदावार को विदेशों तक निर्यात किया जा रहा है, जिससे देश के आर्थिक हालात भी अच्छे हो रहे हैं और किसान भाई के तो अच्छे हो ही रहे हैं। हरदोई के किसान राम सागर बताते हैं कि उन्होंने पिछले 2 एकड़ के खेत में धनिया की खेती शुरू की थी और आज वो हर साल जो है 2 से 3 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। वो हरी धनिया के साथ साथ सूखी बीज की धनिया की भी पैदावार कर रहे हैं और प्रति हेक्टेयर के खेत में लगभग 20 से लेकर 25 क्विंटल तक धनिया का उत्पादन वो कर रहे हैं। अब दोस्तों, धनिया की खेती में जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कीटों की, तो कीटों से ये कैसे बचाव करते हैं दोस्तों? तो धनिया के पौधे काफ़ी मुलायम होते हैं, इनका खास ध्यान रखना होता है और पौधों में फफूंद और कीट लगने का डर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इस किसान ने इसके लिए जिले के कृषि विभाग से संपर्क किया और वहां से खेती के तरीके में जानकारी हासिल की और कीटों से उपचार के लिए इन्होंने है जो कीटनाशक का प्रयोग किया, M45 जो 2 से लेकर 3 लीटर के पानी में मिलाकर खेतों में छिड़काव कर सकते हैं और ध्यान रखें कि इसकी ज़्यादा मात्रा धनिया के पौधों को जला सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा अगर ये चाहें आप लोग तो जो केमिकल आप यूज कर रहे हैं कीटनाशक, तो आप जैविक कीटनाशक का उपयोग करके इससे भी ज़्यादा अच्छा जो है उत्पादन ले सकते हैं। खासकर जैसा कि डॉक्टर कृष्ण जी द्वारा बताया गया है कि इन्हेंसर जो है इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसी कीटनाशक में इन्हेंसर मिलाकर आप अच्छा जो है और उसमें जो है क्या होता है केमिकल का भी ज़्यादा असर नहीं आता है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, धनिया की खेती के लिए शुष्क व ठंडा मौसम अच्छा होता है, सबको मालूम है, और इसके बीजों का अंकुरण जो है 25 से 30 डिग्री का तापमान फायदेमंद रहता है। इस किसान का कहना है कि इसकी सफलता से आसपास के लोग भी प्रभावित हुए हैं और वो धनिया की खेती करना चाहते हैं और शुरू भी कर रहे हैं। इसके ट्रांसपोर्ट के लिए श्रम की ज़रूरत होती है, जिस कारण गांव के रोजगार के साधन भी बढ़े हुए हैं और कई लोग जो हैं इसमें जुड़े हैं और उनको भी इससे फायदा हो रहा है। तो दोस्तों, ये तो रही एक सफल किसान की कहानी, लेकिन अगले एपिसोड में हम जानेंगे किसी और की जानकारी। तब तक के लिए मिलते हैं, जय किसान दोस्तों।